ठीक है, आज हम जानेंगे गीज़र के बारे में कि गीज़र को कैसे चेक करते हैं और गीज़र में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, गीज़र को कैसे ठीक करते हैं, ये टोटल आज हम जानेंगे। पूरी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे आज गीज़र के ऊपर। ठीक है, आज गीज़र को हम चेक करना बताएंगे आपको, गीज़र कैसे चेक करते हैं। इसको हम चेक करते हैं डायरेक्ट, देखते हैं। बोलो, ठीक है, चेक करते हैं। इसकी रिले नहीं उठ रही है, रिले एक साउंड देती है और साउंड नहीं आ रहा है, इसकी रिले ख़राब है। इस रिले को हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यह है रिले, इसको ओपन करते हैं। यह है रिले, इसको चेंज करते हैं अभी। ठीक है, रिले को खोलते हैं। ठीक है, रिले को खोल दिया है। अब ये दूसरी एक नई रिले ली है, ये वाली लगाना है। ठीक है, इसको लगाते हैं, इसको हटा दिया है। ठीक है, इसको लगा के दिखाते हैं। ठीक है, इसको हमने नई रिले एक लगा दी है, इसके हम जैक लगाते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि रिले आवाज़ करती है या नहीं करती है। इसको माइनस कर लें। ठीक है, रिले आवाज़ कर रही है, यानी कि अब रिले ठीक है, अभी ये गीज़र काम करेगा प्रॉपर। देखो चिलकुए भी उठ रहे हैं। ठीक है, रिले आवाज़ कर रही, यानी कि रिले ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सेंसर भी काम नहीं करता है, जब ये सेंसर का जैक लगता है इसमें, ये वाला, कभी कभी ये सेंसर का जब लगा होता है जैक काम नहीं करता है। अभी ये भी चेक करके दिखाते हैं हम। ठीक है, ये सेंसर भी काम कर रहा है, हम अभी आपको दिखाते हैं इसको ऑन करके। ठीक है, अभी प्रॉपर काम कर रहा है, ये रिले उठ रही है। ऐसे ही गीज़र को चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये कनेक्शन डिब्बी होती है जो ये, जब इसमें चिलकुए नहीं उठते हैं तब ये ख़राब हो जाती है। समझो जब गैस ऊपर जा रही है और गैस में आग नहीं लग रही है, तो इसको ध्यान से चेक कर लें। ये कनेक्शन जो डिब्बी होती है, इसको ध्यान से चेक कर लें। इसे जनरेटर भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, वो आपके ऊपर है जहाँ जैसा बोलते हो। फिलहाल ये कनेक्शन डिब्बी है, इसको चेक कर लें, उसके बाद रिले चेक कर लें, उसके बाद सेंसर चेक कर लें। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं आपकी, और सेल का खास तौर से ध्यान रखें, ये सेल ध्यान से चेक कर लें। डीसी सेल होते हैं ये चेक कर लें, कार्बन तो नहीं आ गया है अंदर, इसको ओपन करके देख लें, अगर कार्बन आ गया है इसको साफ़ कर लें अच्छे से, ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसे ही चेक करते हैं, और ऐसे ही आप चेक करके आप अपना गीज़र ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। खुदा हाफिज़।